गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एट योर होम. सो द चिल्ड्रंस, दिस इज योर 12th चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर प्रिपोजिशन. नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर द लेसन स्पॉटलाइट, प्रिपोजिशंस एंड काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशन. सो नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रिपोजिशंस. अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. यानी प्रिपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ लिंक करते हैं, जोड़ते हैं. द ग्लास ऑफ वाटर इज ऑन द टेबल. सो द प्रिपोजिशन ऑन इज द लिंक बिटवीन द ग्लास ऑफ वाटर एंड द टेबल. तो यहाँ पर ऑन जो प्रिपोजिशन है वो लिंक कर रहा है किसके बीच में? ग्लास ऑफ वाटर एंड द प्ले एंड द टेबल. टेबल और ग्लास ऑफ वाटर के बीच में जो लिंकिंग वर्ड है वो क्या है? प्रिपोजिशन, जो कि लिंक कर रहा है आपस में दोनों को. इट मीन्स ऑन वर्ड इज टेलिंग अबाउट द प्लेस ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर. ग्लास ऑफ वाटर की प्लेस कहाँ पर है? टेबल के ऊपर. सो ऑन द टेबल. सो लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज प्रिपोजिशंस हेयर. नाउ लुक एट एंड रीड अंडरस्टैंड. मिस्टर बनी हैज लॉस्ट समथिंग, रीड व्हाट ही सेज. वेयर हैव आई पुट इट, वेयर कुड इट बी. तो यहाँ पर मिस्टर बनी है जो कि कुछ, जिनका कुछ सामान जो है वो लॉस्ट कर दिया, उन्होंने खो दिया है. अब नाउ यू रीड कि कहाँ पर उन्होंने, कहाँ पर हो सकता है कि कहाँ पर वो चीज उन्होंने रखी है और कहाँ पर वो चीज जो है हो सकती है. सो मिस्टर बनी सेइंग, इट इज नॉट ऑन द वॉल, इट इज नॉट अंडर द टेबल. Oh, it is not in my pocket. No, it is not behind the fence. It is not there between my fingers. So, it is not be found anywhere. So, what do you think Mr. Bunny has lost and where do you think it is? So, here the on, under, in, behind, between, all these words are preposition because it is the telling the preposition of position of the Mr. Bunny's thing. Yani Mr. Bunny ki jo thing jo lost ho gayi hai, उसकी पोजीशंस को बताने में, जो बताने की हेल्प करने वाले जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर हैं, ऑन, अंडर, इन, बिहाइंड, बिटवीन. नाउ लेट्स सी काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशन. सो प्रिपोजिशन ऑफ पोजीशन. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रिपोजिशन ऑफ पोजीशन. प्रिपोजिशन दैट टॉक अबाउट द प्लेस एंड लोकेशन आर कॉल्ड प्रिपोजिशंस ऑफ पोजिशंस. यानी जो के किसी प्रिपोजिशन दैट टॉक अबाउट, यानी वो जो टॉक अप जो बात करते हैं किसके बारे में? प्लेस के बारे में, यानी कि थिंग की प्लेस या लोकेशन के बारे में जो बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम प्रिपोजिशन ऑफ पोजिशंस कहते हैं. जैसे कि इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड एंड अगेंस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रिपोजिशन ऑफ पोजिशन. सो नाउ लुक हेयर द सम एग्जाम्पल. द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल. So where is the dog sitting? The dog, it means under is telling about the position of a dog. यानी dog की position को बताने वाला जो word है वो क्या है यहाँ पर? Under के dog कहाँ पर बैठा है? Dog पेड़ के नीचे बैठा है, under the tree. So he is sitting behind his sister. So here the beside is telling about the position of this person. Who is sitting in beside his sister? जो कि अपनी sister के बगल में बैठा है. Now there is space between the two walls. Please stand in front to give your speech. Now the second position, preposition is preposition of moment. Preposition of moment that show moment to or from a place are called preposition of moment. यानी प्रिपोजिशन यानी कि जो प्लेस के मोमेंट को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो बताते, वो हमारे कहलाते हैं प्रिपोजिशन ऑफ मोमेंट. जैसे ऑफ, थ्रू, इनटू, टू, अक्रॉस एंड थ्रू आउट आर एग्जांपल ऑफ प्रिपोजिशन ऑफ मोमेंट. सो आई मूव टू जर्मनी इन 2002. द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल. यानी ट्रेन जो है किसके थ्रू जाती है? टनल के थ्रू जाती है, टनल के द्वारा जो है ट्रेन पास हो जाती है. तो उसके लिए द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल. तो सी स्वैम अक्रॉस द रिवर. नाउ कम टू द थर्ड प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम. प्रिपोजिशन दैट
शोर्ट टाइम आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी वो प्रीपोजिशंस वर्ड जो कि टाइम के शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे कि इन, ऑन, एट आर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आई हैव मीटिंग एट 9 AM। डू यू वर्क ऑन ट्यूजडे? इन कश्मीर इज ऑफन स्नो इन जनवरी। सो हेयर एट, ऑन, इन, दीज आर द प्रीपोजिशन वर्ड्स। नाउ रिमेंबर द प्रीपोजिशन एट इज यूज विद डेफिनाइट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय के साथ जो होता है हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब एक फिक्स टाइमिंग के बारे में हम बात करते हैं तो हम बताते हैं एट, यानी व्हेन डू यू गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock और 7 AM। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपका टाइम है जिसमें आप डेली उसी टाइम में स्कूल जाते हैं, इट इज अ डेफिनेट टाइम, सो वी यूज एट प्रीपोजिशन विद दैट टाइम। नाउ द प्रीपोजिशन ऑन इज यूज विद डेज एंड डेट्स। ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम डेज और डेट्स के साथ करते हैं। जस्ट सपोज व्हेन डू यू सेलिब्रेट 15 August? व्हेन डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? सो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 August। सो एंड डेज वी यूज ऑन प्रीपोजिशन विद डेज डेज एंड ऑन द डेट्स, जस्ट लाइक ऑन संडे, ऑन 5 June। नाउ द थर्ड इज द प्रीपोजिशन इन इज यूज विद मंथ्स, ईयर, सीजन एंड विद द पार्ट्स ऑफ डेज, यानी इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हमें मंथ्स के साथ, ईयर के साथ, सीजन एंड पार्ट्स ऑफ डेज। पार्ट्स ऑफ डेज इट मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, दीज आर द पार्ट्स ऑफ डेज। जस्ट सपोज इन दिसंबर, इन 2013, इन विंटर, इन द इवनिंग। सो इन दिसंबर इट इज द मंथ, इन 2013 इट इज टॉकिंग अबाउट द ईयर, इन विंटर दिस इज द सीजन, इन द इवनिंग इट इज अ वन पार्ट ऑफ अ डे। सो द चिल्ड्रंस, द चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। नाउ द एक्सरसाइज टाइम, सो टुडे यू हैव टू डू द एक्सरसाइज 12.1। सो लुक एट द पिक्चर, राइट वेयर इज द बॉल इन ईच पिक्चर बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। यहां पर आपको बॉल की पोजिशन बतानी है, दैट यू हैव टू टेल वेयर इज द बॉल। सो इन द फर्स्ट पिक्चर वेयर इज द बॉल? द बॉल इज ऑन द टेबल। नाउ इन द सेकेंड पिक्चर वेयर वी कैन सी द बॉल? वी कैन सी द बॉल अंडर द टेबल। इन दिस पिक्चर, इन द पिक्चर थर्ड वेयर इज द बॉल? द बॉल इज बिटवीन टू टेबल्स। सो हियर द प्रीपोजिशन विल बी बिटवीन। इन द फोर्थ पिक्चर वेयर वी कैन सी द बॉल? यस, वी कैन सी द बॉल बिसाइड द टेबल। सो द बॉल इज बिसाइड द टेबल। नाउ द बी पार्ट, बिलो आर सम सेंटेंस विद प्रीपोजिशन। इन सर्कल द प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस। सो हियर यू हैव टू सर्कल ऑन द प्रीपोजिशंस। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल बिलो द पिक्चर। द मैन स्टूड नेक्स्ट टू द प्रिंसेस एंड हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर हर। द मैसेंजर sat at his desk on his chair. He is leaning against the door. Against is a preposition. The truck is parked near the house. Let us go out for a pizza. So, children, that's all for today. And other work we will do in a next class. Till then, bye, take care.